राहुल गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में वो थे, यहाँ उन्होंने निशाने पर लिया प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी और रायबरेली से तमाम विकास योजनाओं को छीनने का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो अमित शाह ने देवरिया में राहुल गांधी शीला दीक्षित के बयान के जरिए उन्हें घेरने की कोशिश की। अब देखिए, वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बात बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में झूठ बोलते हैं, मुझे गाली देते हैं, उल्टी सीधी बात बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी ने अमेठी रायबरेली से फूड पार्क को छीनने का काम किया, जब नरेंद्र मोदी जी ने आपसे ट्रिपल आईटी का छीनने का काम किया, हिंदुस्तान पेपर मिल छीनने का काम किया, मुझे और किसी चीज से दर्द नहीं हुआ, मगर मुझे दिल में चोट लगी कि आपके हाथों से नरेंद्र मोदी जी ने फूड पार्क छीना, आपके हाथों से नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल पेपर मिल छीना। इससे मुझे दर्द हुआ और मैं आपको ये खुल के कहना चाहता हूं, क्योंकि इससे अमेठी के युवाओं का, अमेठी के किसानों का नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर एक प्रत्याशी घोषित की थी, शीला दीक्षित जी, याद है ना, मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी शीला दीक्षित जी को घोषित किया था, याद है या भूल गए आप लोग? कहां गई शीला जी, कहां गई? मित्रों, अभी अभी आज मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि राहुल बाबा अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको मैच्योर होने में थोड़ा समय दीजिए। अरे शीला जी, आपकी बात तो पूरा देश मानता है। आरपी सिंह जी, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, तमाम यहाँ पर आरोप लगा दिए गए हैं आप लोगों में, एक तरह से खिसियाहट है इसलिए आप इन बातों को रख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर मुझे ये बताइए, क्या कोई असर होगा? क्योंकि यहाँ पर सीधे कहा जा रहा है कि लोगों की पसंद है, अब जिस तरह से ये पूरा मुद्दा सामने आया, तो क्या लग रहा है कि एक असर आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे और फिर एक बात कहूंगा कि अधजल गगरी छलकत जाए, आधी गगरी जो लेके लोग चल रहे हैं और पानी गिरा रहे हैं, छलकती हुई जा रही है, क्योंकि ये संभाल नहीं पा रहे हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनती हैं, जब वो पहली बार आपके चैनल पे जब बोलना शुरू करते हैं तो पहले अपने कामों को गिनाते हैं, फिर अपने वादों को गिनाते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि मैंने गधे का प्रचार किया था। प्रधानमंत्री जी ने क्यों अपने आप को समझ, वो तो पूरा कैंपेन है, काम बोलता है और वो तो बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो हमें 11 मार्च को पता लगेगा। मनोज जी, किस बात पे है, मुझे रिएक्शन लेना पड़ेगा, कुछ समय बहुत कम है। किस बात की है? आईपी सिंह जी, काम बोल रहा है ये कहा जा रहा है, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो भी बेबुनियाद है। सीधे सीधे मनोज जी ये बात कह रहे हैं, नोटबंदी का मुद्दा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरे सिरे से गलत है, ये कहा जा रहा है। देखिए, जाति और मजहब के आधार पर काम करने वाली ये समाजवादी पार्टी, ये बात ये लोग कतई भूल जाते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में जो भी पैसा आता और है, 2.5 लाख करोड़ रुपए हमने दिया, अतिरिक्त दिया है, और सब राज्य सरकारों को करना होता है, और किस आधार पर? हमने कहा ना, सिर्फ झूठ कि आप एक्सप्रेसवे बनाए, लेकिन सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। 18 करोड़ में एक्सप्रेसवे प्रति किलोमीटर बनता था, आपने कितने किलोमीटर सड़क बनाई है बताइए? 87 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र का रहने वाला हूं, क्या काम लूटा है आपने? लखनऊ के सौंदर्यीकरण के नाम पर, उत्तर प्रदेश को छोड़िए, नदी के सौंदर्यीकरण के नाम पर आपने लूटा है। इन्हें खामोश कराइए, मैं इनका जवाब दे दूं, इनके शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। आईपी सिंह जी, मनोज जी, मेरे पास समय पाबंदी है, इन्हें कहिए, बिल्कुल हमें इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। फिलहाल जो भी नतीजा होता है, जो विकास हुआ है, जो विकास हुआ है, नहीं हुआ है, आईपी सिंह जी, ये हमें 11 तारीख को पता लग जाएगा कि किसने कितना विकास किया है, कौन किसकी पसंद बना है और किस पर विश्वास जताया गया है। आईपी सिंह जी, 11 मार्च
तक का इंतजार तो कर लीजिए कम से कम। और उत्सव जो कल आप लोग मना रहे हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि गदगद है आप लोग अपनी जीत को लेकर के, जो अब तक अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिली है फिलहाल 3 महीने में। तो इसके बाद कहीं ना कहीं नोटबंदी का मुद्दा एक बार फिर से सामने आ चुका है। यूपी इलेक्शन में अब इसको भुनाने की तैयारी और इसी को विजय उत्सव के तौर पर कल प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है बीजेपी। कितना गेन होता है तो 11 मार्च को पता लगेगा। आईपी जी, मैं अब आपकी बात सुन नहीं सकती हूँ, बस समय खत्म हो चुका है। फिलहाल चर्चा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।